नमस्कार, चंबल किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही स्वादिष्ट और दानेदार मिठाई की रेसिपी, और बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाने वाली ये आसान सी रेसिपी है, हम जिसे बिना मावा बिना चाशनी के तैयार करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मिठाई बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप पनीर, ये घर का बनाया हुआ ताज़ा पनीर है, आप मार्केट का पनीर भी यूज कर सकते हो। और इसको आप हाथों से मसल लीजिए या फिर इस तरह से पैन में डालकर स्पैचुला से मसल लीजिए। हमने 1 कप पनीर लिया है तो इसके लिए हम लेंगे 1/2 कप मिल्क, आप कोई भी मिल्क ले सकते हो, पहले से उबला हुआ फिर कच्चा मिल्क। गैस की फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है, हमें इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है और इस तरह से अच्छे से मिक्स करते जाना है जिससे जो पनीर और दूध एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये देखिए दूध में उबाल आना भी स्टार्ट हो गया, हमें इसी तरह से लगातार चलाते हुए इसको थोड़ा सा गाढ़ा करना है। और ये देखिए मिश्रण थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है, और अब हम इसमें डालेंगे चीनी, ये 1/2 कप चीनी है, आप इसे टेस्ट अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हो। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। शुगर डालने के बाद ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा बैटर, लेकिन हमें इसको थोड़ा गाढ़ा होने तक हमें इसे पकाना है। चीनी अच्छे से घुल चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर 4 से 5 चम्मच। और इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं, लेकिन आप इसको स्किप नहीं करना, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है मिठाई में डालने से। मिल्क पाउडर को आप ज़रूर डालिए। मिल्क पाउडर को हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब हम इसको पकाएंगे। हमें इसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, पैन छोड़ने तक हम इसको पकाएंगे। और अब आप चाहें तो इसमें अपने मनपसंद कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हो, जैसे इलायची पाउडर, केवड़ा एसेंस या रोज वाटर। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून कोकोनट पाउडर, या अगर आपको पसंद है तो डाली, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हो। और अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए मिश्रण पहले से थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, अभी हमें इसे थोड़ा सा और गाढ़ा करना है। और ये देखिए मिश्रण बिल्कुल परफेक्ट गाढ़ा हो गया, हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। मैं इसको डबल कलर में बना रही हूँ, इसलिए मैं इसको 2 बराबर भागों में कर लेती हूँ। और मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा लेमन येलो फूड कलर, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको कोई एक कलर से भी बना सकते हो या फिर सिंपल वाइट भी रख सकते हो। और इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कलर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब हम इसको भी दूसरी प्लेट में निकाल लेते हैं और थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। ये देखिए मिश्रण हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है, हमने दोनों मिश्रण को अलग अलग प्लेटों में निकाल लिया था। तो चलिए फिर अब हम मिठाई बनाना शुरू करते हैं। मिठाई बनाने के लिए मैंने इस तरह का ये कुकीज़ कटर लिया है, अगर आपके पास इस तरह का कटर नहीं है तो जो दवाई के ढक्कन होते हैं ना, आप उसको भी ले सकते हो और नाइफ से कट कर दीजिए, तो उससे भी ये राउंड शेप की मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी। ये फिर आपको जिस तरह का शेप पसंद हो उस अकॉर्डिंग आप मिठाई को बना सकते हो। और ये देखिए इसको अच्छे से दबा देना है मिठाई को इसमें भरकर, बहुत ही आसान है इस तरह से इस मिठाई को बनाना। और ये फिंगर से हल्का सा दबाएंगे तो ये कुकीज़ कटर बहुत ही आसानी से बाहर आ जाता है, ये देखिए। और ये देखिए इसका कितना अच्छा शेप बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह से हम सारी मिठाई को बनाकर तैयार कर लेते हैं। और ये देखिए इसी तरह से हम येलो वाले मिश्रण से भी पेड़े बनाकर तैयार कर लेते हैं। इन पेड़ों को बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये पेड़े बनाए हैं। ये देखिए हमने इस तरह से इसमें फिल किया और इसको ये हल्के हाथों से ये प्रेस किया, ये देखिए
और ये देखिए सारे पेड़े बनकर तैयार हैं। अब हम इनको थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं जिससे इनका लुक और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और मैं इनके ऊपर थोड़े से केसर के धागे रख रही हूँ, ये देखिए इस तरह से। पूरी तरह से ऑप्शनल है, आपको जिस तरह से गार्निशिंग पसंद हो आप उस हिसाब से इसकी गार्निशिंग कर सकते हो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी न्यू रेसिपी के साथ।